नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, भाई 12.5 HP की अगर आपके पास मोटर है और आप उसके लिए सोलर प्लांट प्लान कर रहे हैं, तो हमें 12.5 HP मोटर के लिए कितना सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, कौन सा VFD कंट्रोलर उसमें लगेगा, और उसका एक्चुअल में अगर हम एक निकालें तो नियर अबाउट उसका प्राइस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी बात हो रही है 12.5 HP मोटर की। देखिए, मोटर के केस में पहले भी बता चुका हूँ भाई, अगर मोटर का केस है, अब चाहे वो आपकी 2 HP से ऊपर की मोटर का केस है, तो उसके लिए आपको VFD कंट्रोलर वाले सिस्टम में ही जाना पड़ेगा अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए चलाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको मोटर चलानी है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, तो आप उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से चला सकते हो। जैसे अगर हम 1 HP मोटर की बात करें, अगर आप 1 HP मोटर को 4 बैटरी वाले इन्वर्टर सिस्टम पर चलाएँ, तो उस पर वो आराम से आपका 1-2 घंटा निकाल देगी। लेकिन अगर वो आपको लंबे टाइम के लिए चलानी है, भाई आपको तो कम से कम 8 घंटे मोटर को चलाना है, तो 8 घंटे मोटर को चलाने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। प्रॉब्लम खड़ी यही होगी कि वो बार बार ट्रिप करेगा, क्योंकि जैसे ही बैटरी की एनर्जी कम हुई तो मोटर आपकी बंद हो जाएगी। तो ये केस होता है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। लेकिन अगर हम इसमें ऑन ग्रिड सोलर की बात करें, तो ऑन ग्रिड सोलर में वही है भाई, ऑन ग्रिड सोलर का एक्चुअल काम क्या है कि ऑन ग्रिड सोलर को तो आपकी यूनिट रिवर्स करनी है भाई। जितनी आप यूज़ कर रहे हो, उतनी यूनिट जो सोलर से आ रही है, वो नेट मीटरिंग के, जो नेट मीटरिंग में फंक्शनैलिटी होती है कि जो भी यूनिट आपने यूज़ की और जो आपके सोलर प्लांट ने बनाई, वो सारा उसका मंथली लगा के भाई आपने 100 यूनिट यूज़ की, टोटल 50 यूनिट आपके सोलर प्लांट ने बनाई है, तो आपको 50 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है। हमें ऑन ग्रिड सोलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मोटर को लंबे टाइम के लिए चलाना चाहते हो तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से भी चला सकते हो। लेकिन बात होती है, जैसे ये बड़ी मोटर्स हैं, आप बड़ी मोटर्स क्या है, ये चीज़ें घरों में तो ठीक है, लेकिन बड़ी मोटर्स आपकी यूज़ होती है मोस्टली, जैसे हम बात करें आटा चक्की में, या फिर समरसिबल पंप हो गया, मोनोब्लॉक पंप हो गया, तो वहाँ मोटर के लिए अगर हमें सोलर प्लांट लगाना हो तो वहाँ क्या करें, अगर वहाँ बिजली की सुविधा भी नहीं है, तो उस केस में हमें VFD कंट्रोलर वाले केस में जाना पड़ता है। हमें सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, साथ में उसमें VFD कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी वो मोटर रनिंग में आएगी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इंडस्ट्रियल लेवल पर लेके जाएं, भाई इंडस्ट्रियल लेवल पर जैसे बड़ी मोटर्स है, वहाँ पर 20 HP, 100 HP, 50 HP, कितनी बड़ी हो सकती है इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो वहाँ इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर हम मोटर, तो वहाँ आपको फिर से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ही जाना पड़ेगा, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें। लेकिन सबसे ज़्यादा जो VFD कंट्रोलर का यूज़ होता है, वो आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर ही होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कहीं कहीं करोड़ रुपए की मशीन है, तो उसको कोई फॉल्ट ना हो, उसमें उस मोटर में कोई फॉल्ट ना हो, तो उसके लिए VFD कंट्रोलर लगाते हैं, क्योंकि VFD कंट्रोलर में इतने सेंसर होते हैं, आप उससे मोटर की स्पीड को मैनेज कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, वोल्ट को घटा सकते हो, बहुत सी चीज़ें आप VFD कंट्रोलर से मैनेज करते हो। तो वहाँ पर मोस्टली इंडस्ट्रियल लेवल पर भी VFD का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम सोलर प्लांट के केस में जाएं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में ही जाने का फायदा है, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, सीधी बात है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलने वाली। तो वहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक सी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि हमें 12.5 HP मोटर को चलाने के लिए, अगर हमें खेत में चलानी है या घर में कोई आटा चक्की वगैरह कोई भी उससे हमें काम लेना है, तो उसके लिए हमें एक्चुअल में कितना सोलर प्लांट लगाना होगा। इस बात को ध्यान से समझना, जितने भी वोल्ट की मोटर है, जितनी वोल्ट की मोटर है, पहले ये समझना, क्योंकि अभी तक लोग इसी में उलझे रहते हैं, HP क्या है, किलोवाट क्या है, वोट क्या है, वोल्ट क्या है, ये अलग अलग चीज़ें हैं सभी। तो इसको ध्यान से समझना, जितने वोल्ट की मोटर है, वोल्ट का मतलब है अगर वो सिंगल फेस है तो 220 वोल्ट में मिलेगी, अगर वो 3 फेस है तो वो 415 वोल्ट में मिलेगी। हमारी बड़ी मोटर है तो सिंपल सी बात है 415 वोल्ट में ही मिलेगी, क्योंकि सिंगल फेस में तो बहुत ज़्यादा एम्पियर लेगी, तो 415 वोल्ट की हमारी मोटर है। अब हम इसको सोलर के केस से रिलेट करते हैं, जितने वोल्ट की हमारी मोटर है उसका 1.5 गुना वोल्ट हमारे पास सोलर की होनी चाहिए। यानी कि 415 वोल्ट की हमारे पास मोटर है, तो मिनिमम हमें 600 वोल्ट
600 वोल्ट सोलर की होनी चाहिए, ये केवल वोल्ट की बात कर रहे हैं हम अभी, 600 वोल्ट सोलर होना चाहिए अगर 415 वोल्ट की मोटर है। और अब अगर हम उसकी एम्पेयरिंग की बात करें, जो हमारी 12.5 HP मोटर है, तो 12.5 HP की मोटर ऑलमोस्ट आपकी लेगी लगभग 18.5 एम्पेयर। अब वोल्ट तो आपको चाहिए 600 कम से कम, ये मिनिमम कंडीशन है भाई, 600 वोल्ट तो आपकी होनी चाहिए, उससे ऊपर 650, 700, 750 वो दी बेस्ट है। तो वोल्ट तो आपको चाहिए 600। एम्पेयरिंग क्या है, जितने भी एम्पेयर की आपकी मोटर है उतनी एम्पेयर भी आपके पास होनी चाहिए। अगर 18.5 एम्पेयर की मोटर है, 18.5 एम्पेयर आपकी मोटर ले रही है, तो 18.5 एम्पेयर आपके पास इतना सोलर प्लांट होना चाहिए कि वो आपको 18.5 एम्पेयर की आउटपुट दे सके। एक आध एम्पेयर ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत, ऊपर तो चाहे कितना हो, नीचे तो नहीं होना चाहिए, तो एक आध नीचे हो सकता है, अगर ज़्यादा नीचे चला गया तो स्पीड कम कर देगा। तो ये चीज़ें हैं भाई, जितनी वोल्ट की मोटर है उसकी 1.5 गुना वोल्ट, और जितनी एम्पेयर की मोटर है उतनी एम्पेयर। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि हमें कितना सोलर पैनल चाहिए। तो हम अगर सोलर पैनल की बात करें, हम पहले बात करते हैं 550 वोल्ट के पैनल की, भाई 550 वोल्ट के पैनल अभी ट्रेंड में चले हुए हैं, तो उसमें आपको कितने पैनल लगाने पड़ेंगे। देखिए 550 वोल्ट का जो पैनल है उसकी VOC होती है 50, 50 VOC पे वो काम करता है। तो सीधी सी बात है, हमें 600 वोल्ट के लिए, अगर हम वोल्ट की बात करें, तो 600 वोल्ट के लिए हमें 12 पैनल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, पैनल कभी भी पूरा परफॉर्म नहीं करता, तो हमें उसमें एक या दो पैनल हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, हम उसमें 13 पैनल कर लेते हैं, 13 पैनल में हमारी 600 वोल्ट से ऊपर हो जाएगी। तो ये हमारी वोल्ट तो यहाँ कवर हो गई 13 पैनल से। अब बात करते हैं एम्पियरिंग की, एम्पियरिंग पावर हमारी कितनी होगी। जो 550 वोल्ट का पैनल है उसकी जो एवरेज एम्पियर पावर होगी वो लगभग 10.5 से 11 एम्पियर होगी। 11 एम्पियर हम मान लेते हैं, 11 एम्पियर हमारे पास 550 वोल्ट के सोलर पैनल की हो गई। अब हमारे पास 13 पैनल हो गए 550 वोल्ट के, 13 पैनल में हमारे पास 600 से ऊपर वोल्ट हो गई, और साथ ही साथ 11 एम्पियर हो गई। तो ये हम अगर 13 के 13 पैनल को एक सीरीज़ में लगा दें, तो एक सीरीज़ में लगाने के बाद हमारे पास वोल्ट तो बन गई, लेकिन हमारे पास एम्पियर थोड़ी कम रह गई, क्योंकि एम्पियर हमें चाहिए 18.5। तो उस एम्पियर को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एम्पियर को बढ़ाने के लिए हमें एक सीरीज़ और लगानी पड़ेगी। तो एक सीरीज़ और, यानी कि 13 पैनल की हमने 550 वोल्ट के पैनल की एक सीरीज लगा दी, तो उसके साथ अगर हम पैरलर में ऐड कर दें 13 पैनल की एक और सीरीज को, यानी कि 550 वोल्ट के 13 पैनल एक और सीरीज हमें लगानी पड़ेगी। तो 13 पैनल की एक सीरीज और 13 पैनल की एक सीरीज, उनको फिर हमें पैरलली जोड़ना होगा। आप सीरीज और पैरलर को समझते होंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी पड़ी है, आप उनसे भी देख सकते हो। सीरीज में जहाँ वोल्ट बढ़ती है, पैरलर में जहाँ एम्पियर बढ़ती है। तो 13 पैनल की एक सीरीज और 13 पैनल की एक सीरीज, उनको दोनों को पैरेलली जोड़ के अब हमारे पास वोल्ट तो वही है 600 से ऊपर, और हमारे पास एम्पियर बढ़ गई लगभग 22 एम्पियर। तो यहां हमारी मोटर की स्पेसिफिकेशंस फुलफिल्ड हो चुकी हैं भाई। अगर हमें 12.5 HP की मोटर चलानी है, तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हमारी बैठी हैं भाई, 26 पैनल हमने उसमें लगाए हैं, तो ऑलमोस्ट जो हमारा प्लांट हो गया लगभग 13.5 किलोवाट का प्लांट हो गया, अगर हम 550 वोल्ट के सोलर पैनल में जाएं। तो लगभग 13.5 किलोवाट हमें सोलर प्लांट लगाना पड़ेगा, और उसमें 13 13 पैनल की दो सीरीज बिठा के उनको पैरेलली जोड़ के फिर हमारी 12.5 HP की मोटर रनिंग में आएगी। तो ये तो बात होगी सोलर प्लांट की, अगर हम 550 वोल्ट में जाएं। अब इसी में अगर हम बात करें, अगर हमें 335 वोल्ट के पैनल लेने हो, तो भाई 335 वोल्ट के पैनल की VOC होती है 45, तो हमें उसको भी 600 से ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 14 पैनल होने चाहिए, अगर हमें उसको 600 से ऊपर लेके जाना है। अब 14 पैनल की एक सीरीज हमारे पास होगी, वहाँ हमारी वोल्ट कंप्लीट है। अब बात करते हैं, फिर वही एम्पियर पे बात आती है, उसकी तो मैक्सिमम एम्पियर होती है, वो होती है 8 एम्पियर। अब 8 एम्पियर का आपका पैनल है, वोल्ट आपके पास 14 पैनल में हो चुकी है, तो 8 आपको एम्पियर लेके जानी है 18.5। तो 18.5 एम्पियर ले जाने के लिए आपको 3 सीरीज लगानी पड़ेंगी, यानी कि वहां पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा लगभग 42 पैनल। वहाँ पर 14 14 पैनल की 3 सीरीज बनेगी, 335 वोल्ट के 14 पैनल की एक सीरीज, 335 वोल्ट के 14 पैनल की दूसरी सीरीज, और फिर 14 पैनल की तीसरी सीरीज। उन तीनों सीरीज को आपको पैरेलली जोड़ना होगा, क्योंकि पैरेलल में जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर आपकी एम्पेयरिंग लगभग 24 बन जाएगी। तो उनको आपको पैरेलली जोड़ना होगा। पैरेलली जोड़ने के बाद आपके पास जो 12.5 HP की मोटर है उसको चलाने के लिए आपके पास वोल्ट भी उपलब्ध है, साथ ही साथ आपके पास एम्पेयर भी उपलब्ध है, तब जाकर आपकी मोटर चलेगी। लेकिन इन दोनों केस को थोड़ा सा रिलेट करो, इन दोनों केस में आप देखोगे कि अगर आप 335 वोल्ट के पैनल में जा रहे हो, तो वहां पर आपके लग रहे हैं 42 पैनल,
और अगर आप जा रहे हो 550 वोट के पैनल में, वहां पर लग रहे हैं आपके 26 पैनल, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका स्पेस भी बच रहा है, साथ ही साथ आपके किलो वोट के पैनल भी कम हो रहे हैं, यानी कि यहां लगभग 13.5 किलो वोट का पैनल लग रहा है 550 वोट में, और अगर आप 335 वोट में जा रहे हो तो वहां 14 किलो वोट से भी ऊपर का पैनल आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है भाई, आपको इस चीज़ की सिमेट्री बिल्कुल बैठानी है। आप डीलर हो या कस्टमर हो तो इस चीज़ की सिमेट्री बिठाओ कि किस पैनल में कस्टमर का पैसा भी बच रहा है और कस्टमर का जो जगह है वो भी बच रही है, साथ ही साथ आपके लिए भी वो चीज़ ठीक है। तो उस चीज़ पर आप देखो, जहाँ भी सिमेट्री बैठती हो, जिस पैनल पर सिमेट्री बैठती हो। अभी हर मोटर के लिए मुझे अलग अलग वीडियो डालनी पड़ती है, वो इसीलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि कस्टमर्स क्या है, हर चीज़ का कमेंट डालते हैं, भाई 12:30 के लिए बताओ सर, 7:30 के लिए बताओ। अब उनको एक्चुअली एक पूरा एनालाइज करके उसको, भाई मोटर को इतने एम्पियर लेती है, इतने वोल्ट लेती है, तो मैं अलग अलग वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना आए, चाहे आप डीलर हो चाहे कस्टमर हो। तो ये सिमेट्री बैठती है 12.5 HP की मोटर अगर आपको चलानी है, तो वहाँ मैं आपको कहूँगा आप 550 वोल्ट के पैनल में जाएं। अब इसमें बात करते हैं VFD कंट्रोलर की, भाई VFD कंट्रोलर कौन सा लगाएं। जो भी सोलर से VFD कंट्रोलर हैं, जो भी सोलर से चलने वाले VFD कंट्रोलर हैं, जितने भी ब्रांड बना रहे हैं उनमें क्रोमटन है, LNT है, लूबी है, फ्यूजी है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन ये तो मैं टॉप की कंपनियां बता रहा हूं। तो आप किसी भी कंपनी के उसमें जा सकते हैं जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड करवा सके। आप हमसे लेना चाहे हमसे भी ले सकते हैं, ये हमारा नंबर दिया गया है, या आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाएं, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो लेकिन अब बात आती है 12.5 HP की, 12.5 HP का एक्चुअल में VFD नहीं होता, एक्चुअल में स्पेशली कोई 12.5 HP के लिए VFD नहीं बनाता, खासकर अगर हम सोलर के केस में बात करें। तो वहां आपको VFD कंट्रोलर में जाना पड़ेगा 15 HP में। लेकिन लोग सोचते हैं भाई अगर हमें 12.5 HP की मोटर चलानी है तो हमें VFD लेना पड़ेगा 30 HP का, या कहीं तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हम 25 HP का ले लें। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप विषय में कुछ प्लान कर रहे हो वो एक अलग बात है, भाई आपको प्लान बढ़ाना है, मोटर बढ़ानी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जितने HP की मोटर है उतने HP का VFD लो, बिल्कुल सही है भाई। 10 HP का 10 HP का लो, 15 के 15 के लो। अब जैसे 12.5 HP का हम बात कर रहे हैं, 12.5 के लिए नहीं है, तो सीधी सी बात है 10 HP का तो उसको नहीं चलाएगा, तो हमें 15 HP की तरफ जाना पड़ेगा। तो 15 HP का VFD आपको लेना पड़ेगा जिससे आपकी मोटर चल सके। तो ये तो हमारी बात हो गई 12.5 HP की मोटर की, भाई उसके लिए हमें कितना सोलर प्लांट चाहिए, साथ ही साथ हमें कितने HP का उस पर VFD कंट्रोलर लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्चुअल प्राइसिंग क्या रहने वाली है। मैं प्राइसिंग एक आपको नियर अबाउट दे देता हूँ। नियर अबाउट अगर हम इसमें बात करें तो लगभग इसमें जो आपकी कॉस्टिंग आएगी, लगभग इसमें कॉस्टिंग आने वाली है आपकी 5 लाख के करीब। तो 5 लाख के करीब में उसमें आपका सोलर प्लांट भी हो गया, आपका इंस्टॉलेशन भी हो गई, साथ ही साथ आपका VFD कंट्रोलर भी हो गया, इसमें ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड है। तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपये जिसकी कॉस्ट आपको आने वाली है अगर आप अपनी मोटर को सोलर प्लांट से चलाना चाहते हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।